यूज ऑफ इफ सो और इफ नॉट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इफ सो का यूज और इफ नॉट का यूज कहाँ करेंगे। माय नेम इज रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल स्पीक विद दरभंगा। अपनी अंग्रेजी को इफेक्टिव बनाने के लिए और सही सही बोलने के लिए, सही जगह पर सही वर्ड यूज करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो इफ सो इट मीन्स होता है इफ दैट इज द केस, अगर ऐसी बात है तो। इफ सो का यूज हम सेंटेंस या फ्रेज को रिपीट ना करने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आर यू फ्री, इफ सो लेट्स गो आउट फॉर अ मील। आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो। इफ सो इट मीन्स इफ दैट इज द केस, अगर ऐसी बात है तो। लेट्स गो आउट फॉर अ मील, चलो बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। अब यहाँ पर हमने इफ सो का यूज किया, अगर हम यहाँ यूज नहीं करते तो इसका मतलब ये होता है कि इफ यू आर फ्री, है ना। आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो। इफ यू आर फ्री लेट्स गो आउट फॉर अ मील, तो इफ यू आर फ्री को नहीं बोलने के लिए हम यहाँ पर इफ सो का यूज किए हैं, है ना। क्योंकि अगर हम इफ यू आर फ्री बोलते तो इस सेंटेंस का क्या होता, रिपीटेशन हो जाता, तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम यहाँ पर इफ सो का यूज करेंगे, अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसा केस है तो। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर माइट गो टू द जिम, इफ सो देन आई वोंट। मेरा भाई जिम जा सकता है। इफ सो इफ दैट इज द केस इट मीन्स, अगर ऐसा होता है तो, है ना। इट मीन्स इफ माई ब्रदर गो टू द जिम, अगर मेरा भाई जिम जाता है तो, देन आई वोंट गो, मैं जिम नहीं जाऊंगा। सो यहाँ पर इफ सो यानी कि इफ माई ब्रदर गोज टू द जिम नहीं बोलने के लिए हमने यूज किया इफ सो का, है ना, सेंटेंस को रिपीट ना करने के लिए। ठीक है, सो इफ सो इज इक्वल टू इफ दैट इज द केस। ठीक है, नेक्स्ट यूज है इफ नॉट। इफ नॉट का मतलब होता है इफ दैट इज नॉट द केस, अगर ऐसा ना होता है तो, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो, है ना। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, आई माइट सी यू टूमोरो, इफ नॉट देन इट विल बी सैटरडे। आई माइट सी यू टूमोरो मतलब मैं तुमसे कल मिल सकता हूं। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो, इट मीन्स इफ आई डोंट सी यू टूमोरो, अगर मैं कल तुमसे नहीं मिलता हूं तो, है ना। तो इफ आई डोंट सी यू टूमोरो को नहीं लिखने के लिए हमने यहां पर इफ नॉट का यूज किया है। अगर मैं लिखता कि इफ आई डोंट सी यू टूमोरो तो सेंटेंस का रिपीटेशन हो जाता, तो रिपीटेशन से बचने के लिए ना नेगेटिव में हम इफ नॉट का यूज करते हैं। सो इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो, देन इट विल बी सैटरडे, तो हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे को मिलेंगे, शनिवार को मिलेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी मे बी बिजी, सी मे बी बिजी, वह बिजी हो सकती है या होगी। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो, इट मीन्स इफ सी इज नॉट बिजी, अगर वो बिजी नहीं है तो, है ना। तो इफ सी इज नॉट बिजी को नहीं लिखने के लिए हमने यूज किया इफ नॉट, अगर वो बिजी नहीं है तो। सी विल हेल्प यू फॉर श्योर, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आप इसे अब सेंटेंस में यूज करें, बेहतरीन लगेगा अगर आप जब अंग्रेजी बोलेंगे तो इसका यूज करेंगे तो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।